कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल के सामने गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सीवर लाइन ओवरफ्लो होकर नेशनल हाईवे नंबर 534 पर बह रहा है। स्थानीय लोग इस गंदगी से निकलने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन सफाई के नाम पर खानापूर्ति कर रहा है। निवासियों के मुताबिक शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पर कर्मचारी खानापूर्ति करते हैं, समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकालते। पानी अब ये शिविर का आप देख सकते हो, शिविर से निकल रहा है, ऐसा भी नहीं है पानी कहीं और का है ना। इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इधर आई हॉस्पिटल है, मरीज आते हैं, आने में दिक्कत है, कोई गिर जाता है, कुछ हो जाता है, शिविर के पानी में कितनी बीमारी वैसी फैल जाएगी। तो इस कारण से ना, मतलब इसको जल्दी से जल्दी कहीं से भी, हमने शिकायत भी करी थी, आए थे दो, कुछ करके गए, पता नहीं क्या करके गए, यहाँ से पानी बह रहा है, शिकायत भी निगम में, और वहाँ से भी कुछ एक बार आकर के हल्का फुल्का कुछ कर गए, बाकी फिर वैसे ही चल रहा है लगातार, सुबह भी शाम भी दोनों टाइम। तो परेशानी, बीमारी का भी खतरा है, आने जाने की भी दिक्कत है।